Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now coming to the transpiration pull. Plant में upward movement हमने देखी root pressure की वजह से होती है, but in tall trees जो responsible है upward movement of water and minerals के लिए that is transpiration pull. तो around 15 meters water travel कर सकता है या transport होता है within plant within 1 hour. अब question है water push होता है या pull होता है? So what is water pushed or pulled through the plant? Water is mainly pulled through the plant, खींचा जाता है. And the driving force जो है इस pulling के लिए that is transpiration. This is referred to as cohesion tension transpiration pull model of water transport. जो water है plant में that is transient. Around 1% of water जो है, जो leaves तक पहुंचता है, they are used in photosynthesis. जितना भी पानी leaves तक पहुंचा, उसमें से भी less than 1% ही photosynthesis में utilize होता है. And plant growth के लिए भी. जो maximum water है, other than 1%, that is lost to the stomata. लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं. वहां से एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाता है. दिस वाटर लॉस, ये जो स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है, इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस और वेस्ट वाटर. हम ह्यूमन बीइंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, एक्सेस जो भी वेस्ट है, फीकल मैटर है या फिर यूरिन है, उसका पास आउट होना जरूरी है. वैसे ही प्लांट्स के केसेस में एक्सेस वाटर जो है वो भी लॉस होता है. कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. इट अकर्स थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स. लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. वहां से ये एक्सेस जो वेस्ट है वो रिमूव होता है. फंक्शन क्या है स्टोमेटा के? वाटर वेपर का लॉस करता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू. एक्सचेंज करता है गैसेस को, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवाता है. जो नॉर्मली स्टोमेटा है दे ओपन इन डे टाइम. दिन के टाइम पे वो ओपन होते हैं एंड क्लोज होते हैं ड्यूरिंग नाइट. सभी के केसेस में ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम प्लांट्स के केसेस में ऐसा होता है. द इमीडिएट कॉज क्या है इसका, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है? जो टर्जिडिटी है गार्ड सेल्स की वो चेंज होती है. स्टोमेटा कैसे हैं? तो गार्ड सेल्स हैं जो बीन शेप्ड हैं, इनके आउटर साइड एपिडर्मल सेल्स होते हैं. सो जो ये गार्ड सेल्स हैं इनकी टर्जिडिटी चेंज होती है. जब टर्जिडिटी बढ़ जाती है, अगर प्रेशर बढ़ता है गार्ड सेल्स में, तो जो थिन आउटर वॉल्स हैं, दे बल्ज आउट एंड फोर्स करती है इनर वॉल्स को कि वो क्रीसेंट शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाए. ये जो आउटर लेयर है ये बल्ज करती है, बाहर की तरफ को खिंचती है, और इनर लेयर क्या बोलती है, इनर लेयर क्या होती है? क्रीसेंट शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है. ये जो ओपनिंग है स्टोमेटा की is also aided due to the orientation of microfibrils. कौन-कौन से? Cellulose microfibrils, जो orient करते हैं radially rather than longitudinally in the cell walls of the guard cells. Guard cells में क्या होते हैं? Microfibrils होते हैं. उनकी orientation की वजह से भी ये जो opening and closing है stomata की, ये control होती है. जब गार्ड सेल्स अपनी टर्जिडिटी लूज कर देते हैं, तब वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेते हैं. गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड एंड स्टोमेटा क्लोजेस. कैन सी ये ओपन स्टोमेटा जब होगा तो क्रीसेंट शेप लाइक स्ट्रक्चर बनी है, एंड ये अपनी ओरिजिनल शेप ले लेगा जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, जब ये टर्जिडिटी लूज कर देगा. टर्जिडिटी लूज करेगा
तो स्टोमेटा क्लोज, और टर्जिडिटी गेन करेगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अब जो लोअर डाइकॉट्स में क्या होता है, जो डाइकॉट लीव्स होती हैं, उनके लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, वेयर एज मोनोकॉट्स में इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं अपर और लोअर सरफेस ऑफ लीव्स में। क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दैट इफेक्ट ट्रांसपिरेशन रेट? टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी एंड विंड की स्पीड। कुछ प्लांट के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन, वो क्या क्या हैं? नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, लीव्स में कितने स्टोमेटा हैं और कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे। नंबर ऑफ स्टोमेटा ओपन, कितने स्टोमेटा ओपन हैं, कौन कौन गैसियस एक्सचेंज या वाटर एक्सचेंज कर रहा है। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, प्लांट में कितना वाटर है, एंड कैनोपी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। सो ये फैक्टर्स हैं प्लांट के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। ट्रांसपिरेशन हमने क्या देखा, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जिसकी वजह से एक्सेस वाटर लूज होता है। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, एक्सेस जो भी वेस्ट है उसे रिमूव करना एंड गैसियस एक्सचेंज करना। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है वो डिपेंड करती है टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स एंड माइक्रोफिब्रिल्स जो प्रेजेंट होते हैं उन पे। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स और प्लांट के अपने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को।